Ashi TV with Mommy. Friends, if you like my videos, then please subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon. फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीट रूट एक बहुत ही न्यूट्रिशियस वेजिटेबल है और इससे आज मैं बीट रूट बर्फ़ी बनाने वाली हूँ। ये स्वीट डिश काफ़ी जल्दी बन जाती है और खाने में भी उतनी ही टेस्टी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए मैं दो बड़े बीट रूट का यूज़ कर रही हूँ। इसमें मैं एक गाजर को भी ले रही हूँ। आप चाहें तो गाजर स्किप कर सकते हैं। दोनों वेजिटेबल्स को श्रेडर की हेल्प से अच्छे से श्रेड कर लेंगे। अभी हम एक पैन में 3 बड़े चम्मच घी ऐड करेंगे। जब घी गर्म हो जाएगा तो दोनों वेजिटेबल्स को उसमें ऐड कर देंगे। दोनों ही वेजिटेबल्स को खुशबू आने तक अच्छे से फ्राई करेंगे। इसमें लगभग 5 से 7 मिनट लगेंगे। बीट रूट अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसमें 1 कप दूध ऐड करेंगे। अभी मैं इसमें 3 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर ऐड करूंगी। आप कोई सा भी मिल्क पाउडर यूज़ कर सकते हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर ऐड करिए। मैं इसमें 1/2 कप शुगर का यूज़ कर रही हूँ और आप शुगर फ्री भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे जैसे ये कुक होता जाएगा, इसका कलर और भी ज़्यादा डीप रेड हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं कि बाइंड होना शुरू हो गया है, मतलब कि हमारा मिक्सचर रेडी है। अभी हम एक प्लेट पर घी को अच्छे से लगा लेंगे और बहुत ज़्यादा घी नहीं यूज़ करना है। आप देख सकते हैं कि इसकी बाइंडिंग कितनी अच्छी है। ये काफ़ी अच्छे से एक जगह इकट्ठा हो जा रहा है, तो इसे बर्फ़ी के शेप में काटने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आपको बर्फ़ी बनाने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है या नहीं बन पा रही है, तो आप इसके लड्डू भी बना सकते हैं। अभी इसको स्पैचुला की हेल्प से अच्छे से सेट करेंगे। इसे मैं स्क्वायर शेप में सेट कर रही हूँ, जिसे बर्फ़ी के शेप में काटने में ये काफ़ी ईजी हो जाएगा और काफ़ी अच्छा भी दिखेगा। अभी मैं इस पर इलायची पाउडर ऐड कर रही हूँ, जिससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी और टेस्ट भी अच्छा हो। आप अपनी पसंद के किसी भी ड्राई फ्रूट की गार्निशिंग कर सकते हैं। मैं पिस्ता यूज़ कर रही हूँ। अभी हम ड्राई फ्रूट को पुश करके इसे अच्छे से फिक्स कर देंगे और इसे 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, जिससे ये सेट हो जाएगा। बिलीव मी फ्रेंड्स, आपको इसे देख के इसे खाने की क्रेविंग होने लगेगी। और एक तो ये सुपर फूड से बना हुआ है, तो ये बहुत ही टेस्टी भी है और हेल्दी भी। अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसे किसी भी शेप में कट करें। मैं इसे छोटे छोटे स्क्वायर शेप में कट कर रही हूँ। अभी मैं इसे डेसिकेटेड कोकोनट में अच्छे से कोट करूँगी, जिससे ये बर्फ़ी बहुत अच्छे से फिक्स हो जाएगी और इसका फ्लेवर भी एनहांस होगा। हमारा टेस्ट भी और हेल्थ भी वाला डेजर्ट रेडी हो गया है। अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी अच्छी लगी है, तो इसे घर पे बनाइए, अपने फ्रेंड से भी शेयर करिए। और मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिए।